यहाँ पर दरवाजे बजने लगते हैं खुद ही, और कोई चीजें अंदर आवाजें आती है तोड़ फोड़ की। काफी मशहूर इलाका है इनका तो, बहुत पुराना है। एक बंगला और एक दूसरे नंबर पे इनका, बल्कि बल्कि ये उससे ज्यादा खतरनाक है। अक्सर इन्होंने देखे बाहर आते हुए, कोई कमरे से कुत्ता निकल रहा है, कोई कैसे बंद दरवाजे से निकल के वो बाहर आ जाते, उसके अलावा इनकी घर वालों को तंग किया। यहाँ पर जैसा कि इनके सामान निकालने की कोशिश करते हैं तो इनके घर में दूसरे जगह रहते हैं उनको तंग करते हैं। अजीब अजीब ड्रोनी आवाज़ें रात को आती हैं, ऐसे कोई इनके घर में अपनी फैमिली का भी हाथियाँ रहती तो उनको भी ऐसे परेशानी पेश आती है। तो ये क्या यहाँ पर रहते हैं, डर खौफ थोड़ा ज़्यादा है इस घर में, ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें, कभी बच्चे की आवाज़ आ रही है एकदम से चेंज हो जाएगी किसी जानवर की आवाज़। ऐसे लगेगा कोई आपके पास एकदम से भागे, जब आप इधर उधर देखोगे कुछ भी नहीं। दम दम की आवाज़ आ रही थी यार, ये अभी देखे अक्सर दम दम की आवाज़ सुनी। हाँ, क्या है मैंने सुने वो धम धम की आवाज़, जिसमें आसपास ही कुछ भारी कदमों से चल रहा हो अक्सर, यानी कि ऐसे होते रहते हैं। ये भी आप आवाज़ सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से, सुन रहे हैं ना, उस कार्नल से आपको आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ें तो अभी आ रही हैं यार, ऐसी आवाज होती है अभी देख, आपको जैसे हल्की आवाज आ रही है ना, अब जितना दूर रहोगे वहां पे आवाज उतनी ज्यादा गूंजती रहेगी। अच्छा, यहाँ से भी देखिए हल्की हल्की महसूस हो रही है आवाज, जब आप दूर होंगे तो आवाज ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी आवाज। ये जो अभी इस घर में हम पहुंचे हैं रात का वक्त, अभी हम बात इक्विपमेंट की सेटिंग ही कर रहे थे कि हमें ऊपर छत से आवाजें आना शुरू हुई, जैसे कोई पत्थर गिर रहे हो, भारी भारी कोई भारी कदमों से चल रहा हो। तो उसे कहता हूँ यार स्टार्ट लेते हैं। हाँ चलो, खैर ये आवाज़ असल सजात ऊपर से नहीं यहाँ से आ रही थी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जो हुआ यहाँ पे, वो ये मैं बाहर गाड़ी पार्क ये आपके सामने है, मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पिछले 2-3 मिनट में हुआ क्या। मैं बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था, ये लोग अंदर आए। यार अभी तो मैंने बंद किया इसको, मौसम अंदर कोई भी नहीं था यार, अंदर कोई बैठा हुआ है, अंदर से आवाज आई है मुझे यार, किसी की बच्चे की आवाज आई है अंदर से। इस कमरे में बाहर से कुंडी लगी हुई, अंदर कोई नहीं।
कौन है? कौन हो? कौन हो? मैं खोल रहा हूँ, ठीक है? अंदर है कौन? कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई है नहीं। वो देख बिस्तरों पे निशान, देख बिस्तरों पे निशान, देख मुस्लिम दिन में नहीं थी निशान, दिन में निशान नहीं थी, देख दिन में नहीं थी ये स्मेल। देख मैं एक बात बताऊं, ये टॉक्सिक हो सकती है, ये जो स्मेल है ना अंदर, हमने किसी को असल मुझे डर है ईंटें ना गिर जाए ऊपर। अस्तग़फिरुल्लाह। मोहसिन साथ वाला कमरा, साथ वाला कमरा, इधर कोई है, इधर कोई है, इधर 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 खोल खोल यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे मैं वहां था, मुझे इस दीवार के पीछे से आवाज आई है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो मैंने खुद सुनी, मैं वहां था, इस दीवार के साथ मुझे आवाज आई है यार। इधर कौन है? हमने तो कोई चीज भी नहीं हिलाई अभी तक यहाँ पे यार। यहाँ के बारे में कहते हैं आप, मेरे पास से आ रही आवाज, बिल्कुल करीब आ गया। बाहर कौन है? कौन हो? मुझे समझ नहीं है, मेरे पांव के नीचे जमीन क्यों हिल रही है जब ये चलता है तो? ये हिल रही है, जमीन पूरी वाइब्रेट होती है जैसे जब ये चलता है। कोई नहीं है ऊपर, कोई नहीं है ऊपर। असद पहले अंदर से आवाज आती है, दरवाजे लॉक है, अंदर कोई है नहीं। मैं अंदर जाता हूँ, मुझे साथ वाले कमरे से आवाज आती है, मैं उसको जाके खोलता हूँ, वहां कोई नहीं होता। उसके बाद मुझे साथ वाले कमरे से आवाज आती है, मैं उधर जाता हूँ, उसका दरवाजा खोलता हूँ, वहां कोई नहीं आता। फिर छत से आवाज आती है, मैं वहां जाता हूँ, यहाँ से आवाज आती है, यहाँ जाता हूँ, वहां से आवाज आती है। और ऐसी आवाज आती है कि मेरे पांव के नीचे जमीन हिलती है, वाइब्रेशन होती है जब ये दम तब की आवाज आती है। जा अंदर जा असद, बाहर आ जा असद, टेम्परेचर निकालना। थोड़ी देर पहले हम इस वॉशरूम के अंदर गए, मैंने एक कदम रखा और मैं बाहर आ गया। अब मैं अपना ये टेम्परेचर जो है
थर्मामीटर कह रहे हैं, टेम्परेचर कह रहे हैं, जो नोट करते हैं कि अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे, तो क्वेटा में इस वक्त अभी 17 टेम्परेचर शो कर रहा है इस टाइम पे रात को, और मैं अंदर जा कर आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क आता है टेम्परेचर में। ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये सब कम होता जाएगा क्योंकि सर्दी है हवा। ठीक, आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अभी मैं इसके अंदर दाखिल हुआ हूँ, कुछ टाइम लेगा और टेम्परेचर शो करेगा अपने आपको। ये बड़ा 17 हो गया, मुझे उम्मीद है ये और बढ़ेगा यहाँ पे। देख रहे हैं आपके आंखों के सामने, टेम्परेचर का ना एक वाजे फर्क है यहाँ पर, मतलब हाँ। अच्छा, ये बात जो है ना, अगर वो एक बंद कमरा है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत फर्क है, लेकिन ये तो वही मैदान है और उसके शेड के नीचे आने से इतना फर्क कैसे आ सकता है। बाहर मैंने क्या टेम्परेचर नोट किया था, 16 समथिंग। माय गॉड, क्या हुआ? वो देख मुझसे, वो देख तेरे सामने, वो देख रहा है। इधर आ मुझसे। कोई रास्ता नहीं जा सकती जा। सरों पे यार हाथ ही रख लेना, उसे मुझे एक बात समझ नहीं आती। वहाँ से चलो ठीक है, और उसका घर है, कोई आवाज़ आ जाए, मैं वहाँ जाता हूँ मुझे उसके साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ जाता हूँ मुझे इसके साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ मुझे वॉशरूम के बाहर आवाज़ आती है, हम बीच में खड़े होते हैं हमारे सर के पास आके पत्थर गिरते हैं। मुझे जवाब दिया था वहां पे किसी बच्चे नुमा आवाज आई थी मुझे, मैं अकेला गया था शुरू में वहां पे। कमरों में हम जा ही नहीं पा रहे, कमरों के अंदर हम दाखिल ही नहीं हो पा रहे यार। यार मोहसिन, ऐसे तो हम लोग यार, बात यह है कि या तो हमारा सर फटेगा या हम कोई चोट खा लेंगे, ठीक है? तो ऐसा कर लेते हैं, इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं ना अवॉइड करते हैं, जितना अवॉइड कर सकते हैं, और स्प्लिट हो जाते हैं इन तीनों कमरों के अंदर, ठीक है? बदबू है, डर है, खौफ है, लेकिन थोड़ा जितना बर्दाश्त हो सकता है करते हैं यार। पहले कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ दरवाजा खोल के सामने इस बेड के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और सब थम चुका है अब, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन था जिसकी वो आवाजें थी, वो धम धम की आवाजें किसकी थी। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है, कोई सुन सकता है हमको, कोई जवाब दे सकता है? अच्छा, मैं काफी देर से यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी तक सारी चीजें जो है वो थमी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन काफी हद तक यहाँ पे अब चीजें थम गई हैं पहले के नस्बत। क्या मेरे अलावा इस कमरे में कोई मौजूद है?
क्या मैं कोई चीज हटाऊं? मैं तकिया हटा रहा हूं यहां से। कहते हैं कि अगर यहां से कोई चीज हटा दी जाए तो आप बदबू की शक्ल में खुद को जाहिर कर दें। अब कहाँ आवाजें? वो दरवाजे के बाहर रहते हैं, आवाजें आती हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले यही चीज नोटिस कर रहा था यहाँ पर। दरवाजा खोल देते हैं। बैठ जाओ। क्या गिरा हुआ? भाई देख के देख के। गिरा क्या है? गिरा क्या है? कोई है इधर? यार मौसम बाहर रहते हैं उस दरवाजे के। नहीं, लिटरली जमीन तो इस तरीके से हिल रही है, ऊपर भी कोई है और नीचे भी कोई है।